नमस्कार, कृषि जागरण के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के टॉप हेडलाइंस पर। जैविक खाद के इस्तेमाल से खेती में 30% की बचत। लंबी लौकी की खेती कर किसान हो रहे मालामाल। कृषि क्षेत्र में शुरू हुआ रोबोट का इस्तेमाल, किसानों की बढ़ने लगी दिलचस्पी। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किया धान फसल का निरीक्षण। मंडी बोर्ड की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों में वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद की डिमांड में काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में किसान बिना किसी अतिरिक्त लागत के वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में जानवर है तो आप गोबर को वर्मी कंपोस्ट खाद में बदलकर आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आपको कहीं प्लाट या फिर जमीन लेने की जरूरत नहीं है। किसान चाहे तो अपने घर के आसपास की खाली जमीन पर भी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किसानों को बेहद कम लागत आएगी और इसके लिए एक सीमेंट बेड बनाने की जरूरत होगी। इसके अलावा केंचुआ खरीदने पड़ सकते हैं और बाकी कोई ज्यादा खर्च नहीं आएगा। बेड में ठंडा गोबर या किचन वेस्ट को डाल दें और उसमें कछुआ डाल दें। एक महीने में केंचुआ गोबर को खाकर वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देगा। इस खाद को किसान अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फायदा ये होगा कि किसानों को कम लागत आएगी और साथ ही उपज भी बढ़िया होगी और उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। ज्यादा उत्पादन होने पर इसे 6 से 8 रुपए प्रति किलो बेचा जा सकता है और इसका इस्तेमाल खेती के अलावा बागवानी, सब्जियों की खेती और नर्सरी में भी किया जा सकता है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लौकी का बंपर उत्पादन हो रहा है और उसकी पैदावार करने वालों में से एक किसान लंबे लौकी की खेती कर सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी प्रखंड के सूर्यपुर पंचायत के रहने वाले किसान राजेश कुमार ने 8 कट्टा जमीन में लौकी की खेती की है। राजेश फौज से रिटायर है और किसान राजेश कुमार कहते हैं कि 8 कट्टा के प्लाट से हर एक दिन के बाद 400 से 500 लौकी प्राप्त हो जाती है। किसान राजेश कुमार बताते हैं कि उन्हें खेती किसानी में भी कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लगातार मिलता रहता है और कृषि वैज्ञानिक उनके खेत पर आकर विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति और फसल रखरखाव से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। किसान राजेश कुमार बताते हैं कि लौकी खरीदने के लिए गोपालगंज और सीवान जिला सहित दूर दूर के व्यापारी आते हैं और खेत पर ही उन्हें सब्जियों की पैदावार का उचित मूल्य दे देते हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के समावेश को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। देश के अलग अलग शहरों में किसान और कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप के साथ साथ एफपीओ को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के प्रयासों के चलते भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में एग्री उड़ान एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप के संचालकों ने किसानों और एफपीओ के साथ अपने तकनीकी ज्ञान को साझा किया। लखनऊ में ये कार्यक्रम नाबार्ड के साथ मिलकर किया गया और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक संजय के डोरा ने यह भी बताया कि देश और उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे बदलाव और इसके बहुमुखी प्रतिभा के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी समावेश की जरूरत है। प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित स्टार्टअप नीति की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने बताया कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए मशीनीकरण का लाभ उठाने वाली कृषि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की काफी जरूरत है। साथ ही हैदराबाद स्थित स्टार्टअप फार्म साथी के फाउंडर सुशांत ने बताया, उन्होंने वर्तमान कृषि क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए रोबोट को तैयार किया है और रोबोट के जरिए कृषि क्षेत्र में किसानों को बहुत मदद मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के वैज्ञानिक डॉक्टर एस के तिवारी और डॉक्टर ओम प्रकाश भारती द्वारा ग्राम बागरूल में किसानों के खेत पर सीड ड्रिल से सीधी बुवाई की गई, धान फसल का निरीक्षण किया गया। कृषकों को तकनीकी सलाह दी गई। डॉक्टर एस के तिवारी ने किसानों को सलाह दी कि धान के निंदाई उपरांत नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे फसल में अच्छी वृद्धि होगी। और केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी कि अपने खेतों की सतत निगरानी करते रहें। वर्तमान में धान की खेती में भी रस चूसक कीड़े कहीं पर दिखाई दे रहे हैं और किसानों को सलाह दी गई है कि रस चूसक कीड़ों के प्रभावी नियंत्रण के लिए छिड़काव लगातार करते रहें। इसके साथ ही किसी अन्य रसायन का भी मिश्रण न करें। मंडी बोर्ड स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंडी बोर्ड के दिए गए निर्देश अनुसार मंडी समिति खंडवा द्वारा नई अनाज मंडी प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस के परसाई, डॉक्टर वाई के शुक्ला और उपसंचालक उद्यानिक राजू बड़वाया द्वारा उपस्थित कृषकों को कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मंडी खंडवा द्वारा क्षेत्र के उन्नतिशील कृषकों, मंडी के व्यापारियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को अभिनंदन पत्र दिया गया। मंडी समिति के सचिव ने बताया कि एक दिन पहले कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला और किसान संघों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। दर्शकों, दिसंबर महीने में कृषि जागरण द्वारा मिलीनियर्स फार्मर्स ऑफ द अवार्ड प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।